क्वेश्चन क्या था दोस्तों, यदि 4 × 5 और 3 का मान 8,000 है तथा 2 × 3 2 × 3% का साइन है दोस्तों, बीच में 2% 2 का मान 36 है, तो 4 × 3% 3 का मान कितना होगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को करने के लिए देखिए मैं आपको बताता हूँ क्या करना है। सबसे पहले दोस्तों जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन दिखे जहाँ पे ऐसा एक साइन देते और उधर इक्वल की तरफ आपको वैल्यू दे दें, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले जो नंबर इसमें दिया हुआ आपको उसी को रखना है। यानी दोस्तों देखिए यहाँ कौन 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 सा नंबर दिया हुआ है, 4 है, 5 है, 3 है, और दोस्तों इक्वल की उस तरफ कितना है, 3 है। दोस्तों इक्वल की उस तरफ कितना है, 8,000 है। तो आपको ऐसे करके लिख लेना है। अब दोस्तों आपको ये सोचना है कि 4, 5 और 3 को हम लोग ऐसा क्या करेंगे जिससे हमारा 8,000 बन जाए। दोस्तों 4, 5 और 3 को ऐसा हम लोग क्या करेंगे जिससे 8,000 बन जाए, यानी दोस्तों 4, 5, 3 को गुना करेंगे या फिर भाग करेंगे या फिर जोड़ेंगे तो हमारा 8,000 बन जाए। तो इस तरह से आपको सोचना था दोस्तों। देखिए इसमें मैं आपको बताता हूँ क्या करना है। सबसे पहले आपको देखिए 4 को क्या करना है, 5 से गुना कर लेना है। 4 को 5 से गुना करके करने के बाद दोस्तों उनका पावर को क्यूब कर देना है। 4 को 5 से क्या करना है दोस्तों, गुना कर देना है। चलिए 4 को 5 से गुना करने के बाद उसका उनका पावर का क्या करना है दोस्तों, क्यूब कर देना है। ऐसा करने से दोस्तों देखिए क्या होगा, 4 को 5 से गुना करने पर कितना हो गया, 20। 20 का जब हम लोग क्यूब करेंगे तो दोस्तों कितना आ जाएगा हमारा, 8,000 आ जाएगा। 20 का क्यूब कितना होता है दोस्तों, तो 8,000 इसका आंसर आ जाएगा। देखिए तो हमने क्या किया, तो पहला 2 नंबर दिया उसको गुना किया और जो तीसरा नंबर दिया यानी कि जो परसेंटेज के बाद दिया उसको पावर पे लगा दिया, तो हमारा कितना आ गया दोस्तों, 8,000 आ गया। चलिए उसी प्रकार देखते हैं कि इस क्वेश्चन में हम लोग ऐसे करके 36 ला पाते हैं। तो चलिए सबसे पहले पहला 2 संख्या जो दिया हुआ उसको गुना करेंगे, तो 2 × 3 हमने किया। उसके बाद दोस्तों जो परसेंटेज के उस तरफ नंबर यानी कि 2 है उसको क्या करेंगे हम लोग, स्क्वायर कर देंगे, क्योंकि यहाँ 2 है तो हमने स्क्वायर किया, यहाँ 3 था इसलिए हमने क्यूब किया, यहाँ 3 था तो हमने क्यूब किया, यहाँ 2 है तो हमने स्क्वायर किया। दोस्तों देखिए 2 × 3 कितना होता है, 6। 6 का जब हम लोग स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36, और यही आपका आंसर। देखिए 36 यहाँ पे भी यहाँ पे आ गया। अब उसी तरह से हमको दोस्तों पता करना है कि इस संख्या का मान कितना होगा। दोस्तों क्या करना है, 4 को पहले क्या करना है, 3 से गुना करना है। 4 को पहले 3 से क्या कीजिए, गुना कीजिए, तो 4 को 3 से हमने गुना कर दिया। उसके बाद दोस्तों इसका पावर कितना रखना है, 3 रखना है, क्यूब रखना है। क्यों दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे 3 है तो हमने इसका पावर क्यूब रख दिया। अब 4 × 3 कितना होता है दोस्तों, 12, और 12 का क्यूब कितना होता है दोस्तों, तो 12 का क्यूब होता है 1728, 1728 होता है, और इसका मान कितना हो जाएगा, तो इसका मान हो जाएगा दोस्तों 1728। चलिए उम्मीद है कि आप ये समझ गए होंगे, और बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन पर, देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या है। तो दोस्तों दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, तो दोस्तों देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, 2 संख्याओं का गुणनफल कितना है दोस्तों, 64, तथा महत्तम समावर्तक, यानी एस दोस्तों महत्तम समावर्तक को हिंदी में ये महत्तम समावर्तक, इंग्लिश में इसको हम लोग क्या कहते हैं, HCF। HCF कितना है दोस्तों, 4 है, तो उस संख्या का लघुत्तम समावर्तक कितना होगा, यानी दोस्तों आपसे क्या पूछा, LCM पूछा है। दोस्तों 2 संख्याओं का गुणनफल यानी उसका प्रोडक्ट दे दिया गया है, मल्टीप्लाई दे दिया गया तथा उसका महत्तम समावर्तक यानी कि CF 4 दे दिया और आपसे LCM पूछा। तो दोस्तों इसमें कोई ट्रिक लगाने की जरूरत ही नहीं, आपको इसका आप सीधा इसको अपने फॉर्मूले से बना दीजिए। तो फॉर्मूला क्या है दोस्तों, फॉर्मूला है दोस्तों देखिए, LCM लिख देता हूँ मैं यहाँ पर फॉर्मूला, LCM इंटू HCF बराबर फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर। LCM इंटू HCF बराबर कितना हो गया दोस्तों, फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर, मतलब दोस्तों देखिए फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर मतलब इन 2 नंबर का गुणनफल दिया जाएगा। तो दोस्तों आपको देखिए यहाँ पर 2 नंबर का गुणनफल कितना दे दिया दोस्तों, 64 दे दिया, क्योंकि यहाँ कहा है कि 2 संख्याओं का गुणनफल कितना है, 64 है। तो 2 संख्याओं का गुणनफल आप यहाँ पर चुपचाप लिख दीजिए कितना हो गया, 64 हो गया। उसके बाद दोस्तों आपको और क्या दे देगा, आपको यहाँ पे HCF दे दिया गया। HCF कितना है दोस्तों, 4 HCF है। HCF कितना है इसका, 4 है। तो महत्तम समावर्तक को हम लोग इंग्लिश में HCF कहते हैं। दोस्तों HCF 4 हो गया। आप यहाँ से LCM आराम से निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं दोस्तों, ये 4 इस तरफ गुना में है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। दोस्तों अगर हम लोग 64 को 4 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 16 बार में कट जाएगा। और दोस्तों हमारा LCM जो हमारा हमसे पूछा है लघुत्तम समावर्तक कितना हो जाएगा, तो लघुत्तम समावर्तक हमारा कितना आ जाएगा दोस्तों, 16 आ जाएगा। उम्मीद आप समझ गए होंगे। चलिए बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन में, देखते हैं हमारा तीसरा क्वेश्चन क्या है। तो दोस्तों तीसरा क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, दिए गए श्रृंखला में गलत संख्या ज्ञात कीजिए, यानी जो श्रृंखला दिया हुआ है आपको उसमें गलत संख्या पता करना है। दोस्तों गलत संख्या कैसे पता करेंगे, यानी कि समझ लीजिएगा आपको इसमें भिन्न पता करना है, मतलब जितना संख्या दिया हुआ है इसमें से कोई एक अलग होगा, बाकियों से कोई एक अलग होगा। तो कैसे पता करेंगे, तो देखिए संख्या क्या क्या, पहले वो देखिए 15 है दोस्तों, 28 है, 30 है, 39 है, 48 है। दोस्तों अगर हम लोग इसका डिफरेंस करके देखें, तो देखिए डिफरेंस करके देखते हैं तो कितना आएगा, 15 28 में कितना का अंतर, 13 का डिफरेंस, मतलब दोस्तों अंतर। 28 30 में कितना का अंतर है दोस्तों, 2 का अंतर, 2 का। 30 39 में कितना का अंतर है दोस्तों, 30 39 में 9 का अंतर है, और 39 और 48 में कितना का अंतर है दोस्तों, यहाँ भी 9 का अंतर है। तो दोस्तों ऐसा करने से कुछ समझ में नहीं आया, यानी इस तरह से आप इसका इसका श्रृंखला में गलत संख्या नहीं पता कर पाएंगे। तब आपको क्या करना है दोस्तों, आपको सोचना है, अगर इस तरह से नहीं हो तो आपको सबसे पहले सोचना है कि 3 से कटना, 3 से कटना इसका सबसे पहला प्रमुख होता है गलत संख्या पता करने के लिए। 3 से कटने वाला नियम यहाँ पे लिख देता हूँ, देखिए 3 से कटना, ये आपका पहला प्रमुख नियम हो गया। तो देखिए आप 3 से कटने वाली कौन कौन संख्या, देखिए दोस्तों 3 को अगर हम लोग 15 15 क्या 3 से कटेगा, बिल्कुल 15 कट जाएगा 3 से। 28 क्या कटेगा 3 से, नहीं 28 नहीं कटेगा।
30 कटेगा, हाँ 30 भी कट जाएगा, 39 भी कट जाएगा दोस्तों, और 48 भी कट जाएगा दोस्तों। आप देख सकते हैं क्योंकि सब संख्या 3 से कट रहा है सिवाय 48 को छोड़, 28 को छोड़ के, क्योंकि 3 से नहीं करते दोस्तों। 28 यहाँ पे गलत संख्या हो गया क्योंकि सब 3 से कट रहा है और यही 3 से नहीं करते दोस्तों, उसको गलत संख्या बोल सकते हैं, फिर विषम संख्या भी बोल सकते हैं क्योंकि बाकी सब 3 से कट रहा है लेकिन 28 3 से नहीं कट रहा। तो चलिए दोस्तों इसका उत्तर हो गया 28। अब बढ़ते अगले क्वेश्चन में, और अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है, वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिससे 307 और 330 को विभाजित करने पर क्रमशः 3 और 7 शेष बचे। यहाँ पे दोस्तों देखिए 3 और 7 है, क्रमशः 3 और 7 शेष बचे। तो दोस्तों आपको यहाँ क्या करना, देखिए आपको जब भी यहाँ पे बोले बड़ी से बड़ी संख्या, तो जब भी आपको बड़ी से बड़ी संख्या बोले तो आपको क्या करना है, एच सी एफ करना है, यानी महत्तम समावर्तक करना है, एच सी एफ करना है। जब भी आपको यहाँ पे छोटी संख्या बोले तब आपको यहाँ पे एल सी एम करना है। तो इस क्वेश्चन को करने का सबसे पहला ट्रिक यही है कि आपको एल सी एम एच सी एफ कहाँ क्या करना है आपको यहाँ से पता चल जाएगा। जब बड़ा बोलेगा तो दोस्तों एच सी एफ करना है, जब छोटा बोले तो आपको क्या करना है, एल सी एम करना। तो अब दोस्तों देखिए क्या करना है आगे, आपको यहाँ पे देखिए दोस्तों आपको आगे यहाँ पे देखिए क्या दिया हुआ है कि 307 और 330 को विभाजित करने पर कितना शेष बचता है दोस्तों, 3 और 7 शेष। दोस्तों शेष बचने का मतलब रिमाइंडर बचना, रिमाइंडर इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, रिमाइंडर बोलते हैं, और हिंदी में हम लोग उसको शेष बोलते हैं। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, रिमाइंडर को यानी कि शेष को घटा लेना है। तो देखिए 307 पे भाग देने पर कितना बचता है दोस्तों, 3 बचता है। तो आपको क्या करना है, 307 से 3 को घटा लेना है दोस्तों। 307 को 3 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 304। और दोस्तों देखिए 330 है तो 330 से किसको घटाएंगे, 330 से आपको 7 को घटाना है। 330 से 7 को घटा लीजिए तो कितना हो गया दोस्तों, 323 हो गया। यानी ये दो संख्या का आपको एच सी एफ लगाना है, यानी दोस्तों आपको महत्तम समावर्तक लगाना है। तो दोस्तों जब आप इसका एच सी एफ लगाएंगे तो इसका उत्तर आ जाएगा 19, और 19 ही संख्या का क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। वो बड़ी से बड़ी संख्या कौन हो जाएगा दोस्तों, 19 ही वो बड़ी से बड़ी संख्या है जो इन पर इनको भाग देने से 3 और 7 शेष बचता है। आप ट्राई करके देख सकते हैं दोस्तों, 19 को जब आप यहाँ से 307 से भाग लगाइएगा, देखिए 307 से हम लगाते हैं तो ये एक बार में दोस्तों अभी कितना होंगे, 117। अब दोस्तों देखिए यहाँ पे हम लोग कितना बार लगा सकते हैं दोस्तों, तो देखिए यहाँ पे हम लोग 5 बार लगा सकते हैं या फिर 6 बार। तो हम लोग यहाँ पे 6 बार लगा सकते हैं जो कि 114 होगा, और हम लोग का दोस्तों देखिए 3 आपका यहाँ पे शेष बच चुका है। जब हमको इससे इसे हम इसका भाग लगाते हैं तो हमारा कितना शेष बचता है, 3 से हमारा शेष बच गया। तो चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन पर, देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, सुरेश की उम्र किरण की उम्र से दुगनी है, सुरेश की उम्र किरण की उम्र से दुगनी है, यदि दोनों का उम्र का योग 24 है, 24 वर्ष हो, यहाँ पे वर्ष नहीं लिखा हुआ है, 24 है, तो बताए कि सुरेश का उम्र कितना है। तो दोस्तों देखिए काफी आसान सा क्वेश्चन है, आपको इसमें किरण का उम्र को एक्स मान लेना है। क्यों, क्योंकि देखिए दोस्तों अगर आप किरण का उम्र को एक्स मानेंगे तब सुरेश का उम्र आप दुगनी मान सकते हैं, यानी 2x मान सकते हैं। तो चलिए हमने किरण का एक्स कितना मान लिया दोस्तों, एक्स मान लिया, तो सुरेश का उम्र कितना हो गया दोस्तों, सुरेश का उम्र हो गया यहाँ पे 2x, किरण का उम्र कितना है एक्स, तो सुरेश का उम्र 2x। क्यों, क्योंकि यहाँ पे कहा है कि सुरेश की उम्र किरण की उम्र से दुगनी है, तो किरण अगर एक्स है तो सुरेश 2x, यानी किरण अगर एक है तो सुरेश 2 है। अब दोस्तों क्या कहना है, दोनों के उम्र का योग 24 है, दोनों के उम्र का योग 24 मतलब इन दोनों का योग कितना हो गया दोस्तों, 24 हो गया। अब आप यहाँ से एक्स का मान निकाल सकते हैं, कितना आ जाएगा दोस्तों, 3x = 24। तो दोस्तों एक्स बराबर कितना आ जाएगा आपका, 8 आंसर आ जाएगा, 8 आंसर आ गया। अब आपको क्या पूछा है, सुरेश की उम्र कितना है, सुरेश का उम्र कितना है, तो दोस्तों सुरेश का उम्र देखिए यहाँ पे कितना है, 2x है, सुरेश का उम्र कितना है यहाँ पे 2x, और एक्स का मान कितना है, 8। तो आपको क्या करना है, बस 2 × 8 कर लेना है, 2 × 8 करने से कितना आ गया दोस्तों, 16, और 16 ही सुरेश का उम्र है। उम्मीद आप समझ गए होंगे, 2x था, x का मान हमने रख दिया, तो 2 × 8 कितना हो गया, 16, और 16 सुरेश का उम्र हो गया। अगर किरण का पूछता तो सिर्फ 8 हो जाता, क्योंकि किरण का उम्र x था। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, एक वस्तु को 2220 रुपए में बेचने पर 20% का लाभ होता है, तो बताएं कि 10% हानि पर बेचने के लिए इस वस्तु को कितना में बेचना होगा। दोस्तों देखिए इस क्वेश्चन में आपको कुछ नहीं करना है, बिल्कुल आसान था, बिना पेन उठाए भी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। 2220 रुपए में बेचने में कितना लाभ होता है दोस्तों, 20% लाभ, यानी दोस्तों देखिए 2220 का मान कितना हो गया दोस्तों, 120 हो गया। क्यों, क्योंकि दोस्तों 20% लाभ हुआ है, कोई भी वस्तु अपने में 100 होता है, जब उस पर लाभ होता है तो +20, और जब अगर हानि होता है तो -20। दोस्तों 20 इसलिए क्योंकि यहाँ पे 20 लिखा हुआ है, जब भी कोई किसी चीज पे वस्तु पे जब आप की बेचते हैं उस पर आपको लाभ होगा तो आप क्या कीजिए, प्लस कर दीजिए, जब हानि हुआ तो क्या करना है, माइनस कर देना। दोस्तों देखिए 2220 का मान कितना हो गया, 120 हो गया। क्यों, क्योंकि उसमें 20% लाभ हुआ है। आपसे पूछा क्या है दोस्तों कि बताएं कि 10% हानि पे बेचने के लिए उस वस्तु को कितना में बेचना होगा। 10% हानि मतलब दोस्तों कोई भी वस्तु अपने में 100 होता है, जैसे कि मैंने अभी कहा, और आपको क्या उस पता करना है, हानि कितना हानि दोस्तों, तो -10% हानि हुआ तो -10 कर दीजिए। यानी आप किसका मान पूछा, 90 का मान पूछा, 120% का मान अगर दोस्तों देखिए 120% का मान कितना है दोस्तों, 2220, तो 90% का मान कितना होगा दोस्तों, आप इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा और नीचे आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों बढ़ते अगले क्वेश्चन में, आप उम्मीद है कर लीजिएगा और नीचे कमेंट कर दीजिएगा और मैं बता दूंगा। तो चलिए
अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। 8:40 पे घड़ी की सुई कितने डिग्री के कोण बनाएगी। दोस्तों 8:40 पे घड़ी का सुई कितना डिग्री का कोण बनाएगा। दोस्तों इसके लिए आपको टाइम का चैप्टर पढ़े रहना होगा और ये क्वेश्चन रीजनिंग का है और इसका फॉर्मूला देखिए क्या है दोस्तों, 11m/2 - 30h। बस आपको पुट कर देना यहाँ पे और आपका उत्तर आ जाएगा। देखिए कैसे पुट करना, दोस्तों एम का मतलब हो गया मिनट, तो कितने बज के कितना मिनट हुआ दोस्तों, 40 मिनट हुआ है ना, 8:40 हुआ है, तो मिनट के स्थान पे एम के स्थान पे आपको कितना से मल्टीप्लाई करना है, 40 से। दोस्तों देखिए 11×40/2 और एच की जगह पे क्या लिख देना दोस्तों, कितना बचा है आवर, तो 8 लिखना है, 8 आवर हुआ है, तो 30×8 ये हो गया। अब दोस्तों इसको हल कर लीजिए तो कितना आ जाएगा, 440/2 - 240 हो गया। इसको काटेगा दोस्तों 220 और -240 तो कितना आ जाएगा, 20 डिग्री का आंसर आ जाएगा दोस्तों, और -20 आएगा लेकिन आपको +20 लेना है। मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, देखिए इतना ही आना चाहिए, ये 440/2 - 240 बिल्कुल इतना ही आएगा, 30h। चलिए -20 आएगा लेकिन आपको 20 डिग्री लेना है। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन पर, देखते अगला क्वेश्चन क्या है। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, इस क्रम को पूरा कीजिए, आपको इस क्रम को पूरा करना है। दोस्तों इस क्रम को कैसे पूरा कीजिएगा, सबसे पहले देखिए आपको जो दिया हुआ है उसमें आपको रिलेशन खोजना पड़ेगा। दोस्तों देखिए 19 का मान किसके दिया हुआ है, 37 से दिया हुआ है, 19 का संबंध किससे है, 37 से। दोस्तों 26 का संबंध किससे होगा आपको पता करना होगा। तो दोस्तों देखिए सबसे पहले आपको समझना है कि 19 का मान 37 से कैसे हो सकता है, तो और हो भी कैसे सकता है। 19 का हम लोग अगर डबल करें, यानी 19 को दो गुना करें, 19 का दो गुना करें, डबल करें, और उसमें से अगर एक घटा दो तो हमारा 37 आ जाएगा। देखिए 19 दूना कितना होता है, 38 होता है दोस्तों, और उसमें से एक घटा देंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 37। इस तरह से हम इसका कर सकते हैं, इसका संबंध बना सकते हैं। उसी तरह से दोस्तों आपको क्या करते पता करना है कि 26 का मान कितना होगा, तो 26 का मान कितना होगा दोस्तों, 26 को दो गुना करना है और उसमें से एक घटा देना, तो दोस्तों 26 को दो गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 52। 52 में से एक घटा दीजिएगा तो कितना आ जाएगा आपका आंसर, आपका आंसर 51 आ जाएगा, यानी आपका आंसर कितना हो जाएगा, 51 हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन में और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। दोस्तों थोड़ी सी प्रॉब्लम के कारण मैंने वीडियो रोक दिया था, चलिए देखिए सही क्रम में लगाना है। दोस्तों आपको जितने भी 5 ऑप्शन दिया उसको आपको सही क्रम में सजाना है, यानी दोस्तों ये क्वेश्चन भी रीजनिंग का ही है, आपको यहाँ पर ऑप्शन दिया रहेगा लेकिन मैंने अभी यहाँ पर ऑप्शन नहीं लगाया। चलिए मैं बता देता हूँ सबसे पहले क्या होगा। दोस्तों देखिए सबसे पहले क्या है, लकड़ी है, लकड़ी है, काटना, पेड़, कोयला, कुल्हाड़ी। सबसे पहले दोस्तों देखिए क्या होगा, सबसे पहले एक पेड़ होना जरूरी है, यानी कि सबसे पहले 3 नंबर होना जरूरी है। उसके बाद दोस्तों पेड़ है तो आपको फिर उसके बाद उसको काटना पड़ेगा, लेकिन काटने के लिए क्या चाहिए, कुल्हाड़ी चाहिए। तो दोस्तों उस पहले कुल्हाड़ी का जरूरत है, क्योंकि आप काटिएगा पहले कैसे, जब आपके पास कुल्हाड़ी नहीं होगा तो आप काटिएगा कैसे। सबसे पहले तो एक पेड़ होना जरूरी है, फिर आपके पास एक कुल्हाड़ी होना जरूरी है दोस्तों, फिर आपको काटना पड़ेगा, यानी 2 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, काटना पड़ेगा। काटने के बाद दोस्तों आप किसको काटिएगा, तो लकड़ी को काटिएगा, तो फिर 1 हो जाएगा दोस्तों। फिर लकड़ी को काट के आप क्या बना सकते हैं, कोयला बना सकते हैं। तो 3, 5, 2, 1, 4 इसका सही क्रम हो जाएगा, 3, 5, 2, 1, 4। दोस्तों आप कहने के लिए इसको ऐसे भी कर सकते हैं, करने के लिए इसको ऐसे भी कर सकते हैं, दो ऑप्शन बन सकता है इसका। सबसे पहले या तो कुल्हाड़ी होना चाहिए, उसके बाद दोस्तों आपको पेड़ होना चाहिए, फिर आप उसको काटिएगा, फिर आपका लकड़ी मिलेगा और फिर आप कोयला कर सकते हो। 5, 3, 2, 1, 4 भी हो सकता है, 3, 5, 2, 1, 4 भी हो सकता है। आप जो ऑप्शन में दिया रहेगा, ऑप्शन में कोई एक दिया रहेगा उसको आपको टिक कर लेना है। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही जो बेल आइकन है दोस्तों उसको भी दबा लीजिएगा, क्योंकि और उसके बेल आइकन को दबाने से क्या होगा दोस्तों, जब मैं वीडियो डालूंगा तो सबसे पहले आप वीडियो को देख पाएगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद, जय हिंद।